कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच मौजूद अरल सागर किस हद तक सूख चुका है वो हाल ही में ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आज इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर यानी अरल सागर का पिछले 50 साल में 90% हिस्सा सूख चुका है। एक वो भी दौर था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड्स का सागर कहा जाता था। ये दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरण आपदाओं में से एक है। 1997 में सूखने के चलते अरल सागर चार लेक में बन गया था, जिसे उत्तरी अरल सागर, पूर्व अरल सागर, पश्चिम अरल सागर और सबसे बड़े हिस्से दक्षिणी अरल सागर के नाम दिया गया। 2009 तक सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गया। सागर के सूखने से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के समृद्ध मछली उद्योग को हुआ। यहाँ का मछली उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। पानी सूखने के चलते प्रदूषण और ज्यादा बढ़ा गया और अरल सागर के इलाके में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही कहर बरपा रही है। 600 साल में अरल सागर पूरी तरह सूख गया है। इसका एक कारण पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ का कम होना भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बर्फ के पिघलने से अरल सागर में पानी भरता था। अरल सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ की एक योजना के चलते हुई। 1960 में सोवियत संघ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी रहा। सागर को सूखने से बचाने और उसके उत्तरी अरल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा था। हालांकि इन सब के बावजूद सागर की स्थिति को ज्यादा सुधारा नहीं जा सका। इन तस्वीरों में धरती की बर्बादी स्पष्ट झलकती है और पृथ्वी की रहने योग्य सतह का लगभग 1/4 हिस्सा जंगल से कृषि में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इंसानों ने उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से लेकर अरल सागर के विनाश तक महज 25 वर्षों में हरित पृथ्वी को तबाह कर दिया है और आने वाले वर्षों में इसका दुष्प्रभाव हम इंसानों को भुगतना जरूर पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।